28 नवंबर को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार द्वारा घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया था, जिसमें से एक योजना घुमारवी नागरिक अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड करना शामिल थी। तो वहीं अब इस योजना को लेकर सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने बिना बेड के ही योजना का शुभारंभ करने को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है, तो वहीं भाजपा विधायक राजेंद्र गर्ग ने घुमारवी के विकास कार्यों के चलते इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भले ही मौसम का मिजाज सर्द हो गया हो, मगर सियासत में गर्माहट लगातार बरकरार है। बिलासपुर में हॉस्पिटल की सियासत देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि 28 नवंबर 2019 को स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार द्वारा घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन व शुभारम्भ किया गया, जिसमें एक योजना नागरिक अस्पताल घुमारवी को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड करने की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया था, मगर वहीं अब योजना के शुभारंभ के बाद हॉस्पिटल में 50 नए बेड हटा दिए गए हैं, जबकि मेल व फीमेल वार्ड में केवल 9 ही बेड देखने को मिल रहे हैं, जिनकी हालत से साफ होता है कि ये नए नहीं बल्कि पुराने बेड हैं। वहीं इस लापरवाही को देखते हुए पूर्व CPS व घुमारवी से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बिना बेड के ही आनन फानन में योजना के शुभारंभ को ड्रामा पॉलिसिटी करार देते हुए नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों सहित दवाइयों की सप्लाई की कमी का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शुरू होती है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक जो है चलती है। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, जब आपके पास नए बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। हमें इस बात का एहसास था, इसलिए हमने जो यहाँ पे हॉस्पिटलों में कमियां थी उनको कमियों को दूर करने के लिए OPD भवन बनाया, वार्ड बनाने के लिए जो है वो पैसा स्वीकृत है, उसके टेंडर हुए हैं, और जब ये चीजें हो जाती उसके बाद जो है वो इसकी घोषणा करने की जरूरत थी। आज इनके पास ना तो सामान है, ना बिस्तर है, और ना जो है वो दवाइयों की प्रॉपर सप्लाई है। यहाँ पर हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो कई सालों से खराब है और डॉक्टर की कमी है, तो उसके बजाय उसको पूरा करने के जो है इस तरह का ड्रामा ये कर रहे हैं। तो ये ड्रामा पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ये हिंदुस्तान में बाकी जगह पता नहीं चल सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ। नागरिक अस्पताल घुमारवी को लेकर पूर्व विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए घुमारवी से भाजपा के विधायक राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा घुमारवी हलके में करवाए जा रहे विकास कार्यों के चलते पूर्व विधायक के आरोपों को बौखलाहट करार दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में घुमारवी का विकास जो है तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विकास की इस गति को देखकर घुमारवी कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है, और पिछले दिन ही घुमारवी में घुमारवी कांग्रेस के द्वारा जो एक ड्रामा रचा गया वह निंदनीय है, क्योंकि घुमारवी हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि यहाँ से बेड उठा लिए गए, यहाँ केवल 9 बेड है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी शंका हो वो स्वयं जाकर हॉस्पिटल में जाकर देख लें। अभी हमने 20 बेड लगाए और जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और बेड्स वहाँ लगा दिए जाएंगे। ये क्रमशः एक विकास की बात है, इसलिए जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे वहाँ बेड्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और हमारा प्रशासन जो है, हॉस्पिटल प्रशासन जो है, इसके लिए लगातार तत्पर है। वहीं घुमारवी अस्पताल में बेड हटाए जाने के सवाल पर CMO बिलासपुर प्रकाश दरोच ने BMO घुमारवी को बेड की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जहां तक घुमारवी सिविल हॉस्पिटल का संबंध है, वहां पे जितने बेड वहां पे होने चाहिए उतने वहां पे सभी लगे हुए हैं। सर आगे भी जैसे कि अभी जो देखने में आया कि 9 बेड फिलहाल 2 फीमेल और मेल वार्ड में लगे हुए हैं, तो आगे बेड के लिए भी आपको BMO की ओर से कुछ निर्देश दिए गए सर आपको? नहीं, अगर आप मान लो कि कहीं 2-4 बेड की कमी पेशी होगी तो है ना, उसको BMO के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।